So we'll go ahead with the next question and of course next topic, energy of simple harmonic motion. When the potential energy of a particle exhibiting simple harmonic motion is 1/4 of its maximum value, so simple sa question hai, potential energy of a particle exhibiting SHM is 1/4 of its maximum value during the oscillation. The displacement of the particle from the equilibrium position in terms of amplitude A is. तो क्वेश्चन समझ में आया? तो सिंपल है. When the potential energy is 1/4 of its maximum value, then what is the displacement of the particle? What is the position of the displacement? तो पहले तो ये बताओ. आपको क्वेश्चन में बोला है potential energy is 1/4 of its maximum value. What is the maximum value of potential energy, by the way? What is potential energy of formula, by the way? 1/2 kx². What is the maximum value of potential energy? 1/2 kx². Maximum value of potential energy is nothing but kinetic energy equal to 0. And the total energy equal to potential energy. अरे potential energy का maximum होना मतलब kinetic energy का 0 होना. और वो कहाँ होता है? Extreme positions पे होता है. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0. तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी. व्हाट इज टोटल एनर्जी? 1/2 kA² बराबर क्या? यस. तो ये कैंसिल हुआ क्या? यस. और एम्पलीट्यूड को हमने कैपिटल ए लिखा है, उन्होंने स्मॉल ए लिखा है. तो x² क्या हो गया? a² / 4. तो x क्या आ गया? ± a/2. तो ± a/2 ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. व्हेन अ मास m इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, व्हेन अ मास m इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, देन द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय l. If the mass oscillates with amplitude L, what will be the maximum potential energy stored in the spring? Again, simple question, but थोड़ा confused करता है, तो confusion नहीं होना चाहिए, इसलिए diagram draw कर लेता हूँ. You have a rigid support. इसके बाद आपके पास एक spring है, जिसका force constant K है. इसके नीचे तुमने एक load लगा दिया. याद रखना, जब तक load नहीं लगाया, तब तक spring stretch नहीं हुआ है. जब तक तुमने लोड नहीं लगाया, तब तक जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच नहीं हुआ है. बट जैसे ही तुमने लोड लगा दिया, बाय द वे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिर्फ लाइन ड्रॉ करता हूँ, रेफरेंस लाइन लिए. तो जब तक हमने स्प्रिंग कनेक्ट नहीं किया, मास कनेक्ट नहीं किया, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ गया नहीं. जैसे ही हमने लोड लगा दिया, लोड लगाने की वजह से स्प्रिंग क्या हो गया? स्प्रिंग स्ट्रेच. कितने से स्ट्रेच हुआ? एल. क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ मास एम इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, देन द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय एल. ठीक है. व्हाट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग? इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा? What if the mass oscillates with amplitude L? What will be the maximum potential energy stored in the spring? Question वापस एक बार पढ़ लो, गड़बड़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. When the mass M is attached to the spring of force constant K, then the spring stretches by L. जैसे तुमने लोड लगाया M, तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो गया? L. अब क्या बोला है? If the mass oscillates with amplitude L, यहाँ पे होता है कंफ्यूजन. लोड लगाने के बाद स्प्रिंग का लेंथ एल से बढ़ गया, और ये बन गया इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्या बन गया? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन. याद रखना. आगे बोला है इफ द मास ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड एल, तो अभी मैं मास को और खींचूंगा नीचे और छोड़ दूंगा. तो अच्छे से ध्यान दो इस पर. व्हाट आई विल डू इज, इस लोड को हम और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, मतलब नीचे लाएंगे और छोड़ देंगे. कितना नीचे लाए? और कितना नीचे लाए? अरे
और कितना नीचे लाए, बोला है ना क्वेश्चन में एल एल, तो व्हाट इज द टोटल एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द टोटल एम्पलीट्यूड नाउ 2L। अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया तो ठीक, नहीं तो भाई तो एम्पलीट्यूड इज 2L, एम्पलीट्यूड इज 2L। आपको पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर विच इज हाफ के ए मतलब 2L का स्क्वायर मतलब हाफ के 4L स्क्वायर बराबर, मतलब कितना आ गया, कितना हो गया 2KL स्क्वायर, 2KL स्क्वायर ऐसा तो आंसर नहीं है, देन ऐसा तो आंसर ही नहीं है, आपने बोला ना हाफ के स्क्वायर बराबर है ना फॉर्मूला, हाँ कि ना, हाँ श्योर श्योर। ए कितना आया 2L, ये भी आपने बोला इसका स्क्वायर करोगे, यस तो 2KL स्क्वायर आ रहा है हमारा, तो आंसर नहीं आ रहा, क्या दिया है ऑप्शन, क्या दिया है मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज वेंट रॉन्ग, ऑप्शन 2KL स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल है, ऑफ कोर्स सब कुछ सिंपल है, एज अ बॉडी परफॉर्म्स एस एच एम इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू वेरीज विद टाइम एज इंडिकेटेड इन, तो आपको से पूछा व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन एज अ डिस्टेंस तो देखा ही था, अगर वो पता होगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा आपको, चलो ठीक है टेल यू व्हाट हैपेंस इज, इफ यू रिमेंबर हमने ऐसा ग्राफ देखा था, इट वॉज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस, अभी हमको विद टाइम देखना है, विद डिस्टेंस हमने देखा था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, और अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टोटल एनर्जी हो सकती है, और मैंने आपको ये भी बताया था अभी जस्ट बताया, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और मिनिमम कहाँ होता है मेन पोजीशन पे, तो माइनस ए पे और प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, और मेन पे कितना होता है जीरो, कितना होता है जीरो पक्का, हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की वैल्यू जीरो, इफ एक्स इज जीरो पोटेंशियल इज जीरो, इफ एक्स इज माइनस है और प्लस है पोटेंशियल इज हाफ के ए स्क्वायर, तो जैसे जैसे मीन से जैसे जैसे एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा, सो एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम टूवर्ड्स मीन द पोटेंशियल डिक्रीजेस, एंड एज इट क्रॉसेज मीन एंड गोज टूवर्ड्स एक्सट्रीम इट अगेन इंक्रीजेस, तो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ As a function of distance. आपको पूछा है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अभी आपको सिर्फ ये ग्राफ को टाइम में कन्वर्ट करना है, इट इज इजी टास्क टू डू, डिफिकल्ट नहीं है, तो कैसे कन्वर्ट करते देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल साथ में मैं ग्राफ ड्रॉ भी कर दूंगा, एंड यू मस्ट नो कि टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, कभी सुना है क्या टाइम माइनस हो गया, नहीं ना, टाइम इज नेवर नेगेटिव, तो टाइम एक्सिस जैसे डिस्टेंस का एक्सिस हमने नेगेटिव लिया था, टाइम का एक्सिस नेगेटिव लेते नहीं है हम लोग, क्योंकि होता ही नहीं है, तो टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजिशन, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजिशन, इसका मतलब ये हो गया कि एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो, अगर t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो एट टाइम t इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो जीरो, तो यू गेट अ पॉइंट ओवर हियर, तो t की वैल्यू जीरो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो, तो ओरिजिन हो गया जीरो जीरो। फिर एज यू नो दैट द पार्टिकल आफ्टर टाइम ऑफ t बाई फोर इट इज एट राइट एक्सट्रीम, तो जब टाइम की वैल्यू t बाई फोर थी, पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे था, और राइट एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितनी होती है हाफ के ए स्क्वायर, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर बराबर पक्का, उसके बाद पार्टिकल वापस यहाँ पे आ गया, वापस कहाँ पे आ गया मीन पे, कितने टाइम के बाद t बाई फोर जाने में t बाई फोर आने में, तो t बाई फोर प्लस t बाई टू, और आपको पता है कि पार्टिकल की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी जीरो, क्या जाएगी जीरो।
फिर पार्टिकल यहाँ पे आया, कितने टाइम के बाद आया, 3T/4, कितने टाइम के बाद आया, 3T/4, कहाँ पे आया, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, वापस आया से कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर, माइनस नहीं होता है, एनर्जी इज नॉट नेगेटिव, तो उस स्टेज पे वापस उसका एनर्जी कितना हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर। फिर पार्टिकल वापस से टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी के बाद, टाइम पीरियड के बाद वापस कहाँ आ गया, मीन पे, मीन पे उसका एनर्जी वापस क्या हो गया, जीरो, राइट। तो ये एक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया ना, यस कि नो, ये हाँ कि ना, यस। तो यू सी ऐसा एक ग्राफ बना, बना क्या ऐसा ग्राफ, यस। और सेकेंड ऑक्सीजन में भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा क्या, बनेगा। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर रिपीट होगा क्या, होगा, तो बताओ आंसर, ऑप्शन बी, डन, गुड। इट जस्ट कम्स फ्रॉम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स, हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी लिखना क्या है, लिखने से कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो रिमेंबर दिस इज व्हाट इट इज, ऐसा ही दिखेगा वो, आगे भी ऐसा ही दिखता रहेगा। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास एम ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x1 एंड x2, द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग ओ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, इट विल बी एज गिवन बिलो इन द ग्राफ। तो आपको पूछा है कि एक पार्टिकल है जो x1 और x2 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताओ। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, फिर इसी को x1 बोला है, इसी को x2 बोला है, तो बताओ आंसर, ऑप्शन डी है क्या, चेक कर लो, वेरीफाई, सी है, सी है, पक्का डी होना चाहिए, श्योर, श्योर, यस। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, a particle of mass m is released from rest and follows a parabolic path as shown, so aisa path follow karta hai, good, assuming that the displacement of the mass from the origin is small, which graph correctly depicts the position of the particle as a function of time, to pehle question samajh lo, ek particle hai jiska mass m hai, isko humne rest se release kar diya, and follows a parabolic path as shown, assuming that the displacement of the mass from the origin is small, which graph correctly depicts the position of the particle as a function of time, batao, nahi nahi, ye bhi tumne, ye to tumne pehle lecture mein kiya tha SHM ke theory lecture mein, theek hai main bata deta hu, do you remember humne SHM के केस में सबसे पहले एक फ्रिक्शनलेस टेबल लिया था, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा था, इस ब्लॉक को हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया था, समथिंग लाइक दैट, और हमने बोला कि अभी रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, देन इफ यू रिमेंबर हम इस ब्लॉक को टू द राइट डिस्प्लेस करते हैं, तो राइट डिस्प्लेस करना मतलब स्प्रिंग का क्या होना, स्ट्रेच होना, स्प्रिंग का स्ट्रेच होना, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, और डिस्प्लेसमेंट अगर टू द राइट है तो रिस्टोरिंग फोर्स टू द लेफ्ट है, याद रखना है, रिस्टोरिंग फोर्स टू द लेफ्ट है। फिर हमने एक केस ये भी लिया था कि व्हेन यू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, व्हेन यू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, ऐसा, तो डिस्प्लेसमेंट इज टू द लेफ्ट बट फोर्स इज टू द राइट। इन एनी केस, चाहे तुम पहले केस की बात कर रहे हो व्हेन यू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द राइट, या फिर तीसरा केस व्हेन यू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट एंड यू रिलीज दिस, तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, क्या करता है, क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब इसके डिस्प्लेसमेंट को तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो लेट्स प्लॉट द ग्राफ, लेट अस प्लॉट द ग्राफ। यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहां पे टाइम प्लॉट करता हूं, देन अज्यूमिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास इज स्मॉल, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो पार्टिकल अगर
रेस्ट से रिलीज कर रहे हो तो पार्टिकल का मोशन स्टार्ट कहाँ से होगा, मीन से होगा कि एक्सट्रीम से होगा? मीन से होगा। आर यू श्योर? ऑप्शन क्या दिया चेक करो। ए कि बी कि सी कि डी? ए। बट तो पार्टिकल को तुम अगर मीन से स्टार्ट कर रहे हो, मीन से मतलब एट टी इक्वल टू जीरो व्हाट इज एक्स? जीरो जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। उसके बाद पार्टिकल कहाँ जाता है? पार्टिकल मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ लेके गए तुम? राइट एक्सट्रीम पे। कहाँ लेके गए? राइट एक्सट्रीम। राइट एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, विच इज लेट अस से प्लस ओवर हियर, बराबर। फिर तुमने फिर यहाँ पे जो स्प्रिंग था उसने क्या लगाया? रिस्टोरिंग फोर्स। फिर ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? मीन पे। कहाँ आएगा? मीन पे। फिर मीन के बाद कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड में, मतलब माइनस ए पे जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? मीन पे। फिर कहाँ जाएगा? फिर कहाँ जाएगा? मीन पे। ऐसे चलता रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ विच इज साइन वेव। यही तो हमने प्लॉट किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। तो ऑप्शन ऑप्शन ए। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट साइन वेव आता है ये भी शो किया था हमने। तो अभी कुछ करना नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। SHM के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, डायरेक्ट 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 चलता जाओ आगे। अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इज द एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक? ये तो मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था। हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल, हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल, मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, बराबर ना? टोटल का हाफ काइनेटिक है और हाफ पोटेंशियल है, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इक्वल। एंड इफ यू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज हाफ के एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा। आई हैव टोल्ड यू दिस इफ यू रिमेंबर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2। मैंने बोला था आपको कि जब प्लस माइनस ए बाई रूट 2 डिस्प्लेसमेंट हो तो उस पोजिशन पे पार्टिकल का एनर्जी आधा काइनेटिक होता है आधा पोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। सही है? कथन गाँव थ्योरी में किया है हम लोगों ने। डायरेक्ट डायरेक्ट सोल्यूशन यू हैड, राइट? गुड, पक्का, श्योर। तो वॉट इज एम्पलीट्यूड? 4 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस 4 बाई रूट 2, मतलब प्लस माइनस 2 बाई 2 रूट 2। ये 4 को 2 इंटू 2 लिखूंगा, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखूंगा, तो 2 रूट 2 ऑप्शन नंबर डी है। कर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय ए इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। तो कैन इट बी सिंपल हार्मोनिक? एक्सेलरेशन माइनस बी एक्स है तो कैन इट बी सिंपल हार्मोनिक? यस, बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड अपोजिट। वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड बी इज कॉन्स्टेंट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पीरियड पूछे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू फाइंड आउट पीरियड? इट इज 2π/ω। पक्का? श्योर? क्वेश्चन खत्म हो गया इफ यू ऑफ कोर्स नो व्हाट इज ओमेगा। नहीं, ए इक्वल्स टू माइनस बी एक्स दिया हुआ है और आपको पता है सिंपल हार्मोनिक में ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? बी। तो ओमेगा क्या आ गया? रूट बी। तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 2π/√b। 2π/√b कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर बी है क्या? ऑप्शन बी करेक्ट है ना? बराबर, गुड। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो यू जस्ट कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड डन।
बिल्कुल सिंपल है। ये चैप्टर आने के बाद थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल वापस आता है, लगता है कि फिजिक्स कुछ हमको भी आता है, क्योंकि क्वेश्चंस आर टू सिंपल, बट कंडीशन वही है कि यू शुड नो दिस बेसिक फॉर्मूलाज। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को एवरेज टाइम विल बी 20-30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व अ क्वेश्चन एवरेज टाइम। अगला क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड टू टाइम टी एस। तो एक्स आपको दिया है 0.05 cos 4πt + π/4, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोशन विल बी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय फोर इज फेज, इनिशियल फेज फाइव। तो कंपेयर करके तुमको ओमेगा क्या मिल गया, व्हाट इज ओमेगा, हाउ मच इज ओमेगा, 4π। लेकिन ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है 2πn, तो 2πn इक्वल्स टू 4π, तो n कितना हो गया n, अरे 2 आएगा ना, क्या आएगा 2, और 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर, दिस इज 1 जा, दिस इज 2 जा, हां तो फिर कितना आ गया फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, है क्या ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल। क्विक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू ए बाय टू इज। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर आपके स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन था, मुझे अभी एग्जाम्पल नंबर नहीं याद है, बट आई टोल्ड यू कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेई नीट में भी आते हैं। आपको बोला था इफ यू रिमेम्बर बी डिस्टेंस पे स्पीड इज बी बाई रूट बी रूट टू या बी रूट थ्री, ऐसा कुछ था। हाँ, आपको बोला था द वैल्यू ऑफ स्पीड इज बी रूट टू एट अ डिस्टेंस ऑफ बी, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ बी, हाँ ऐसा क्वेश्चन। तो आपने जब सॉल्व किया, मतलब वेलोसिटी बी रूट टू एट एक्स इक्वल टू बी, वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर करके सॉल्व किया था, तो एक्स की वैल्यू बी आई थी, है ना, दी है ना, एक्स की वैल्यू बी दी है, वो ए बाय टू आया था। कुछ नहीं यार, तो कैसे काम चलेगा, यू डोंट रिमेम्बर, अभी देखा तो 3-4 दिन भी नहीं हुए, यू नीड टू रिमेम्बर द क्वेश्चंस, कैसे चलने वाला है। ये ओरिजिन है, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि एक्स इक्वल्स टू बी पे स्पीड इज बी रूट टू या बी रूट थ्री, ऐसा पूछता क्या था, बी रूट थ्री, तो बी रूट थ्री था। फिर आप ऐसा बोलते हो, यू से दैट कि बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट बी इज बी रूट थ्री और ओमेगा इज 2π/ टाइम पीरियड, शायद टाइम पीरियड की वैल्यू दी थी आपको वहां पे 2π, वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2π दी है, तो बी रूट थ्री 2π/2π हो गया था 1, राइट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर करके तुमको मिल जाता है, After you square this, you get 3b² equals to a square minus b square. तो आपको मिल जाता है a square equals to 4b²
यहाँ से मिल गया था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई फोर, मतलब बी की वैल्यू आ गई थी ए बाई, इसका मतलब पार्टिकल एक्चुअली था हाफ एम्पलीट्यूड पे। आपको क्वेश्चन था कि अगला हाफ एम्पलीट्यूड मतलब अगला बी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था? था। फिर मैंने बोला था कि चलो मान लो इसको टी वन टाइम लगा, इसको टी टू टाइम लगा, मतलब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लिया, टी वन प्लस टी टू विच इज टी बाई फोर। फिर तुमने टी टू फाइंड किया था टी बाई फोर माइनस टी वन, फिर तुमने टी वन की वैल्यू फाइंड की थी फाइव बाय सिक्स और टाइम पीरियड तो दिया ही था वहां पे, राइट? तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो। व्हाट डज दैट मीन, अगर तुमको ये क्वेश्चन याद होता तो जो पिछला वाला अभी जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो भी तुमको समझ में आएगा। ए ए बाय टू से ए तक जाने में, ए बाय टू से ए तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम ए से ए बाय टू तक आने में लगता है। तो जो मैंने अभी सब बताया वो इसीलिए बताया दैट यू हैव सॉल्व्ड वन सच क्वेश्चन ऑलरेडी। तो अभी क्या करेंगे, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स ए टू एक्स ए बाय टू इज, ये भी सिंपल है, चलो ठीक है सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल वे में कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस इज ओरिजिन, यू कैन से दिस इज एम्पलीट्यूड विच इज लाइक फ्रॉम हियर टू हियर इज एम्पलीट्यूड, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट हैज टू रीच हियर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसमें ए बाय टू, अगर एक्सट्रीम से ए बाय टू है तो मीन से भी कितना है फिर ए बाय, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो तुम लिखते हो ए कॉस ओमेगा टी, लेकिन डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर होता है, मीन से, कहाँ से होता है मीन से, तो फॉर्चुनेटली ए बाय टू बोला है तो मीन से भी कितना हो गया ए बाय टू, अगर मीन अगर ए बाई टू नहीं होता तो मीन से कोई डिस्टेंस भी ए बाई टू नहीं होता, कुछ और होता। तो ये एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे ए बाई टू, तो ये वाला ए बाई टू नहीं लिख रहे हो तुम, ये लिख रहे हो फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन, क्योंकि कभी मैंने बोल दिया ए बाई फोर। अब बताओ व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम मीन, ये डिस्टेंस x बोल देता हूँ प्लस ये डिस्टेंस a बाय फोर इक्वल टू क्या होता है a, तो x क्या हो गया a माइनस a बाय फोर, तो कितना हो गया। हाँ तो मैं वही तुमको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा केयरफुल रहो, ये हाफ था तो तुम बच गए, बच गए नहीं तो जाते। गुड, अब ये इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन नंबर टू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू You have x की वैल्यू, what is x की वैल्यू a by 2 a cos omega t, a cancel, 1 by 2 cos की वैल्यू 1 by 2 कौन से एंगल पे होती है, pi by 6 की pi by 3, pi by पक्का ना, अरे pi by 3 मतलब 60, तो cos 60 की वैल्यू 1 by 2 होती है, cos 30 की रूट 3 by 2 होती है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे pi by 3 equals to cos omega t, इसका मतलब omega t क्या आ गया pi by 3, तो t कितना हो गया pi by 3 omega, तो pi by 3 omega आ गया, तो आपको आंसर अगर omega के टर्म में दिया होगा तो ये आंसर आएगा, लेकिन आपको आंसर दिया इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, तो omega की जगह पे क्या लिखोगे, व्हाट इज omega 2 pi by टाइम पीरियड, बराबर pi by हो गया कैंसिल, 3 into 2 हो गया 6 और t गया ऊपर तो t by 6, तो t by 6 ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a simple pendulum of constant length at earth surface is t, its period inside a mine is, ठीक था क्वेश्चन है, बताओ मुझे व्हाट इज द आंसर टू दिस, क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, क्वेश्चन ये है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, पहले तो आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी,
ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ, टू पाई कॉन्स्टेंट लेंथ, कॉन्स्टेंट लेंथ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इट विल डिपेंड ओनली ऑन जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। इट्स पीरियड इन साइड अ माइन इज, तो टाइम पीरियड अगर सरफेस पे टी है, अर्थ के सरफेस पे टी है तो माइन में कितना होगा। इसके लिए आपको ग्रेविटेशन का, लोग कैसे कंफ्यूज हो गए, क्या रिलेशन है, अरे है, यू रिमेंबर एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एज यू गो एट हायर अल्टीट्यूड्स, कम होता है, सरफेस के ऊपर जाओगे तो कम होता है, सरफेस के नीचे जाओगे तो भी कम होता है, वन माइनस डी बाई आर। यू मस्ट रिमेंबर ग्रेविटेशन, नहीं याद मैं बता देता हूँ फिर आपको, और अभी मैं बताऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि वापस क्वेश्चन आया तो याद ही नहीं आ रहा। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट इज गिवन बाय आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, कंडीशन ये था कि हाइट इज लार्ज, अभी लार्ज मतलब बेसिकली हाइट इज ग्रेटर देन आर बाय 20, तो लार्ज हाइट के लिए वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर डिवाइड बाय 20 इज 20 किलोमीटर, तो जब हाइट की वैल्यू 20 किलोमीटर के ऊपर होती है तब ये फॉर्मूला यूज करते हो, जब हाइट कम होती है तो फिर आप 1 माइनस 2h बाय r यूज करते हो। ये कहाँ से आया, इसी फॉर्मूला से ये आया, बाय यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जिसको पता नहीं है, याद नहीं, पता नहीं इज नॉट गुड, याद नहीं फिर भी नॉट गुड, लेकिन पता नहीं इज द वर्स्ट केस, बिकॉज यू आर इन 12th एंड यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस। सिर्फ ये r को लिखा नीचे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है। गुड, तो जी एच इक्वल्स टू जी, आर बाय आर इज 1, एच बाय आर रेस टू 2, ठीक। उसके बाद व्हाट यू डू इज यू हैव जी एच इक्वल्स टू जी 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर रेस टू 2, सो जी एच इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच बाय आर रेस टू माइनस 2। फिर एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है जहाँ पे 1 प्लस ए बाई बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन ए बाई बी, कंडीशन ये होता है कि इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन बी, न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड टर्म इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, बराबर। और मैं बोल ही रहा हूँ कि अगर हाइट इज लेस देन रेडियस, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन था, इफ हाइट इज ग्रेटर देन आर बाय 20 तो वो फॉर्मूला, इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो एच वेरी वेरी लेस देन आर मतलब एच बाई आर वेरी लेस देन 1। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में जो इंडेक्स है वो डायरेक्टली सेकेंड टर्म के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जी एच इक्वल्स टू जी 1 प्लस इंडेक्स क्या था, माइनस 2, तो माइनस 2 एच बाय, तो आ गया फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला फॉर अल्टीट्यूड। अगेन मुझे पता है माइन का क्वेश्चन है, मुझे पता है मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बोल सकता है कि तुम पेंडुलम को ऊपर लेके गए, अगर हाइट कम रहा तो ये फॉर्मूला कम ही हुआ, हाइट बढ़ गया तो भी जी की वैल्यू कम हुई, तो जी की वैल्यू सरफेस पर मैक्सिमम होती है, सरफेस के ऊपर कम होती है, सरफेस के नीचे भी कम होती है, सरफेस के नीचे डेप्थ में होती है 1 माइनस डी बाई आर, वेयर डी इज द डेप्थ, तो एज यू गो अबव सरफेस और बिलो सरफेस इट डिक्रीजेस, विच मीन्स कि तुमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, विच मीन्स टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। इसका मतलब टी डैश बाई टी, वेर टी डैश इज द टाइम पीरियड इन सेकेंड केस, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई जी डैश। वैसे लिखना भी नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने बता दिया अभी कि जी की वैल्यू कम होगी तो टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यू शुड नो सिंस सिंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस decreases at depth, mine मतलब depth, therefore t increases, अभी t increase होने का मतलब होता है that the value of time period is greater than, done, तो ये जो question मैं तुमको सारा सब बताया है ये, it was a question of 5 second that you just have to read and tick, t inversely proportional to g, you go inside the earth, डेप्थ पे जी वैल्यू डिक्रीजेस हेंस टी वैल्यू इंक्रीजेस, बढ़ो आगे, नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग फ्रॉम दिस।
ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कल लास्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको आपके स्टेट बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिया था 23rd, उसमें मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सब डिटेल्स बताए थे। आई टोल्ड यू जैसे ही एक सिस्टम ऊपर जाता है तो नेट एक्सेलरेशन इज जी प्लस ए, नीचे आता है तो जी माइनस ए। तो अ मैन मेजर्स द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन साइड अ स्टेशनरी लिफ्ट, जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, एंड फाइंड इट टू बी टी इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी बाय 4, देन द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले केस में T1 की वैल्यू T थी, G1 की वैल्यू G थी। दूसरे केस में T2 की वैल्यू पूछी है, G2 की वैल्यू G प्लस A है क्योंकि लिफ्ट इज गोइंग अप, और जी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, जी बाय 4। इसका मतलब कितना हो गया, 5G/4, राइट। तो जी टू इज 5G/4, लेकिन जी क्या है, जी वन है, तो G2 = 5G1/4, तो G2/G1 कितना हो गया, 5/4। तो टाइम पीरियड इज 2 √L/G, सो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। सो यू हैव T2/T1 इनवर्स रिलेशन है, तो G1/G2, तो T2/T1 इज T एंड G1/G2 इज 4/5, इट इज अंडर रूट ऑफ 4/5। ठीक, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो √4/5 टाइम्स ऑफ T, एक और ऑप्शन देख लो, मिल गया आंसर। √4 इज हाउ मच, 2, तो 2/√5 × T, तो 2T/√5, 2T/√5 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स अ सिंपल क्वेश्चन अगेन। अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ ट्रॉली विच मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, वेरी गुड। देन द टाइम पीरियड इज गिवन बाय T = 2π√L/G', वेयर जी इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, उससे पहले वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, सब मोर और लेस कनेक्टेड है, सेम टाइप के फॉर्मूलाज है। तो पहले अच्छे से समझ लो, आप हमारे पास एक ट्रॉली है, लेट अस से दिस इज अ ट्रॉली। तो दो केसेस है हमारे पास, दो केस है, दिस इज केस वन लेट्स से। तो यू हैव अ ट्रॉली इन दिस केस एंड ट्रॉली कैन मूव, ऑफ कोर्स ट्रॉली मूव हो सकता है, भूल नंबर। तो हमारे पास एक ट्रॉली है, ये केस वन में जो ट्रॉली है वो रेस्ट पे है, तो इट इज नॉट मूविंग। अब इस केस में वॉट यू हैव इज, यू हैव अ पेंडुलम विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द ट्रॉली। तो हमारे पास एक पेंडुलम था विच सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द ट्रॉली। तो ऐसा पेंडुलम था सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द ट्रॉली। अब ऐसा है, इमेजिन दिस इज ऑसिलेटिंग। तो पहले केस में ट्रॉली इज नॉट मूविंग एंड द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, तो इट इज टाइम पीरियड 2π√L/G। ठीक, मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1/√G, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। अब अगर मैं ट्रॉली को, अब याद रखो इस केस में पेंडुलम पे जो एक्सेलरेशन है वो है ओनली ड्यू टू ग्रेविटी विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो आई विल ऑल्सो ड्रॉ दैट, मतलब इन दिस केस पार्टिकल मतलब बॉब कहीं पे भी हो, द ओनली एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने बोला कहीं पे भी हो, मतलब कहीं पे भी हो, इट कैन बी हियर ऑल्सो बिकॉज इट इज ऑसिलेटिंग। इन एनी केस द पेंडुलम विल हैव एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, बट वेन द ट्रॉली मूव्स, और वो भी बोला है ट्रॉली मूव्स विथ एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इमेजिन हमने इस ट्रॉली पे फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो द ट्रॉली स्टार्ट मूविंग टू द राइट विथ सम एक्सेलरेशन विच इज ए। ठीक, नाउ बिकॉज ऑफ दिस
तुमको याद होगा अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमारे पास एक वेज शेप ब्लॉक था, वेज शेप एक हमारे पास ब्लॉक था, उसके ऊपर एक मास रखा हुआ था। फिर हमने बोला कि हमने तो ब्लॉक को पुश किया, इंक्लाइन प्लेन को, बराबर, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कौन था? मास था, राइट, करेक्ट। तो उस मास पे एक फोर्स एक्ट हुआ, सूडो फोर्स, क्यों? क्योंकि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाए तो उस पर एक सूडो फोर्स एक्ट होता है। हमने तो इंक्लाइन प्लेन को पुश किया, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कौन रखा था? कौन रखा था? मास। तो फिर सूडो फोर्स मास पे एक्ट हो रहा है क्योंकि इंक्लाइन प्लेन इज एक्सेलरेटेड, राइट, उस पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है और एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, तो उस पर भी एक फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पे भी वही होगा, यह पेंडुलम है, एक ट्रॉली के अंदर है, तुमने ट्रॉली को पुश किया टू द राइट, मतलब ट्रॉली पे तुमने एक फोर्स लगाया विद व्हिच इज प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन ए, तो ये एक्शन है, इस पे सूडो फोर्स एक्ट होगा एक्शन। अगर एक्शन टू द राइट है तो रिएक्शन टू द लेफ्ट है, तो जो रिएक्शनरी फोर्स है उसका कितना एक्सीलरेशन होगा? ए, बराबर। तो अब सेकेंड केस में यू हैव टू एक्सेलरेशंस, वन इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड वन इज ड्यू टू रिएक्शन, और ये दोनों फॉर्चुनेटली परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा अलोंग द डायगोनल, इसको बोल देंगे जी डैश, बोल देंगे ना जी डैश। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इफ दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री टू ईच अदर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू टू ए बी कॉस थीटा बोल रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लगता है डायरेक्ट यहाँ पे। तुम ये बता रहे हो व्हाट यू आर सेइंग इज जी डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, of course you are saying this, g square plus a square plus 2ga cos of angle between these two, kitna angle hai? 90, what is cos 90? cos 90 1 nahi hota hai, 0 hota hai, 0, so direct pythagoras theorem lagta hai yahan pe, you have g dash equal to g square plus a square, option number d hai kya, option d? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डन। सो सर ओके, अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी वैन, ये ही क्वेश्चन समझ लो, सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी वैन, ट्रॉली मतलब वैन, हैज पीरियड टी, टाइम पीरियड टी, इफ द वैन स्टार्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन इज जीरो, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो फिर ये कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं, तो ये आएगा क्या? नहीं, तो फिर जी डैश होगा इक्वल टू जी, राइट, इसका मतलब नो चेंज, बराबर। तो क्या है, इफ द वैन स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए जीरो है, देन द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी लेस देन टी, नो, इक्वल टू टू टी, नो, ग्रेटर देन टी, नो, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, अनचेंज्ड ऑप्शन है, चेक कर लो, यस, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन, सो टाइम पीरियड डज नॉट चेंज बिकॉज जी डज नॉट चेंज, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, कॉन्स्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ए जीरो होना मतलब जी डैश इक्वल टू जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन आई वुड वॉन्ट यू टू डू बाई योर सेल्फ, तो सॉरी बट नॉट सॉरी बिकॉज सम क्वेश्चन यू शुड ऑल्सो डू, सो दिस गोज फॉर होम असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज मेड 9 times एंड मास ऑफ द बॉब इज मेड 4 times द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड बिकम्स, सबसे पहले टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एज पर द क्वेश्चन दे आर टेलिंग यू दैट length is increased, length is made 9 times, there is no change in g, so t2 by t1 will be root of l2 by l1, or l2 is 9 times of l1, matlab l2 by l1 is 9, so answer is 3 times, so t2 by t1 equal to root of l2 by l1, so t2 root of l2 by l1 hai, root 9 aega idhar, root 9 aega, okay, so 3 times, so t2 equals to 3t1, so that is equals to 3t. Answer should be 30. It should be option number. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में यू हैव अ स्ट्रिंग एंड यू हैव अ डेंस स्फीयर अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्प्रिंग पेंडुलम में यू हैव अ स्प्रिंग और उसके नीचे होता है एक बॉब। तो स्प्रिंग है जो रिजिड सपोर्ट से टाई करके रखा है, उसके नीचे एक मास है एंड देन यू पुल दिस मास एंड लिव इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग के केस में नॉर्मली ऑसिलेशन वर्टिकल होंगे या फिर हॉरिजॉन्टल होंगे। पेंडुलम के केस में इट गोज इन एक्स वाई प्लेन, तो फर्क होता है दोनों में। सो इफ द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय एक्स ऑन लोडिंग देन द एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इज, तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है इफ द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय एक्स ऑन लोडिंग, स्प्रिंग के नीचे मास लगाया तो उसका एक्सटेंशन कितना हो गया एक्स, एनर्जी स्टोर्ड इज हाउ मच। एनर्जी स्टोर्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। यस हाँ कि ना, अरे हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ बराबर, यस कैन आई राइट दिस एज के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय के, यस सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय के कर लिया। यू नो व्हाट इज के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स, तो क्या आ गया फोर्स का स्क्वायर, क्या आ गया फोर्स का स्क्वायर, फोर्स इज टेंशन, फोर्स इज टेंशन, तो फोर्स को मैं टेंशन में लिख सकता हूँ ना फिर, तो टी स्क्वायर बाय टू के, तो देखो टी स्क्वायर बाय टू के, वेल टी इज द टेंशन द स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर है क्या पक्का, पक्का सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक होपफुली डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, अ स्प्रिंग हैज सर्टन मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट and its period for vertical oscillation is t. A spring has certain mass suspended from it and its period of oscillation is t. The spring is now cut into two equal halves and the same mass is suspended from one of the halves. The time period of vertical oscillation is now. मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। क्वेश्चन में बोला है आपके पास एक स्प्रिंग है which is suspended from some support और उसके नीचे एक मास है, सम मास, राइट, और व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग द टाइम पीरियड इज टी, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी इन दिस केस। अब ऐसा बोला है कि तुमने इस स्प्रिंग को दो पार्ट्स में कट कर लिया, यू आर कटिंग इट टू इक्वल हाफ्स, तो मैंने इसके दो टुकड़े कर लिए, ये हो गया एक पीस एंड यू हैव अनदर पीस टू इक्वल हाफ्स, और दूसरे पेज को मैंने छोड़ दिया, वो हमारे काम का नहीं है। अब हमने जो एक पार्ट है स्प्रिंग के दो पार्ट में से एक पार्ट है, उस एक पार्ट पे सेम मास लगाया, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड टी डैश। पहले केस में टाइम पीरियड टी था, दूसरे केस में टाइम पीरियड आपको पूछा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड टी डैश, दिस इज द क्वेश्चन, पढ़ लो चाहिए तो एक बार और। A spring has a certain mass suspended from it. The spring has a certain mass suspended from it, and its period of vertical oscillation is t. So, jab main isko oscillate karwaunga, the time period is t. The spring is now cut into two equal halves. So, do equal half kar diye spring ke, and the same mass, wahi mass, ek pe connect kiya, is suspended from one of the halves. The period of vertical oscillation will be. तो हु विल टेल मी व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हाउ डू गेट टू द आंसर।
वो तो सिंपल पेंडुलम था ना, ये तो स्प्रिंग पेंडुलम है। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था शायद, आई थिंक यस्टरडे ओनली वी डिस्कस दिस, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम, बी केयरफुल विद दैट। टाइम पीरियड इन जनरल इज 2 पाई बाय ओमेगा, एंड ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय। सही कि गलत? सही। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। डिड यू चेंज द मास? नो। 2 पाई तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, यस या नो? हाँ या ना? हाँ, करेक्ट है। हाँ, अब आपको देखना है कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कैसे चेंज हो रहा है जब तुमने स्प्रिंग के दो पार्ट्स कर दिए। तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इफ यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, एफ इक्वल्स टू क्या होता है कि है? मुझे पता है माइनस साइन होता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। तो के इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ एफ बाय एक्स। एफ मतलब फोर्स, और फोर्स आता है लोड से, और लोड सेम है। एफ मतलब फोर्स, फोर्स आता है लोड से और लोड सेम है, मतलब के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स मतलब लेंथ, तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक। हाँ कि नहीं? यस, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यू आर सेइंग कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के, बट के इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो रूट ऑफ 1 बाय लेंथ। सही है कि नहीं ऐसा? हाँ या ना? हाँ ना, कुछ तो बोल दो, यस और नो? यस, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लेंथ गया। रूट लेंथ गया कहाँ पे? गया कहाँ? गया ऊपर गया, बराबर। डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। तो सही हो गया कि नहीं ये? यस। तो T2 बाई T1 इज रूट ऑफ L2 बाई L1। वॉट इज L2? L2 इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। अगर स्प्रिंग का लेंथ मैं L1 मान लेता और तुमने स्प्रिंग को दो इक्वल हाफ में कट किया है, तो फाइनल लेंथ इज हाफ ऑफ ओरिजिनल लेंथ। एग्री टू दिस? व्हाट इज L2 बाय L1? 1 बाय 2। तो व्हाट इज T2 बाय T1? इक्वल टू रूट ऑफ L2 बाय L1, मतलब 1 बाय 2। तो व्हाट इज T2 T1 बाय रूट 2, मतलब T बाय रूट 2। ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी होना चाहिए वैसे तो। पक्का ना सर? तो इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ट्रिक क्या है पहले वो भी समझ लो। तो अभी आपने देखा कि टाइम पीरियड और स्प्रिंग कांस्टेंट दे आर इनवर्सली रिलेटेड। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के। तो व्हाट इज द ट्रिक हियर? सिंपल सिंपल सिंपल, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के। ओके, अगर आप स्प्रिंग को दो पार्ट्स में कट करते हो इक्वल पार्ट्स में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है। लेंथ हाफ हाफ हुआ तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। तो आंसर डायरेक्ट आ जाता आपका, T2 बाय T1 विल बी K1 बाय K2। गुड। तो T2 बाय T1, मैंने बोला स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, डबल कैंसिल कैंसिल, तो T1 बाय रूट 2। तो हमारा आंसर भी तो वही आया ना, T1 बाय रूट 2। या फिर अगर मैंने सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपने 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ट्रिपल हो गया, तो T बाय रूट 3, राइट। 4 पार्ट्स में कट कर दिया तो 4 टाइम्स हो गया, तो T बाय रूट 4, दैट इज T बाय 2। तो ट्रिक कहाँ बना? ट्रिक बना, बनाता हूँ, ट्रिक बन गया, याद रखना ट्रिक, डायरेक्टली ट्रिक है। T2 इक्वल्स टू T1 बाय रूट n, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्ट्स। तो अगर दो पार्ट किए तो T बाय रूट 2, 3 के तो T बाय रूट 3, 4 के तो T बाय रूट 4, रूट 4 इज 2, तो T बाय 2, 5 किए तो, और इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, वेयर एन इज नंबर ऑफ पार्ट्स। ये बन गया ट्रिक। तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट नहीं आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गुड। अब ये क्वेश्चन सीईटी में भी आता है, आया है, नीट में भी आता है, आया है, और जेडब्ल्यू में आता है थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाके। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट के, आइडेंटिकल आइडेंटिकल मतलब दो स्प्रिंग थे दोनों का कांस्टेंट सेम था, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, अ मास एम, सेम मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम देम, द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन विल बी। तो अभी मैं इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। यू नाउ नो कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के, मैं एम लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि एम सेम ही है दोनों केस। पक्का पक्का सही है। एंड यू ऑल्सो नो, वट डू यू नो दैट फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, रेसिप्रोकली डायरेक्टली बेसिकली, तो है कि नहीं ऐसा? तो फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो वट डज दैट मीन? आपको फ्रिक्वेंसी पूछा है ना, रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी पूछा है कि नहीं? यस ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। पक्का? श्योर श्योर 100%। गुड। तो फ्रिक्वेंसी का रेशियो मतलब एफ वन बाई एफ टू मतलब रूट ऑफ के वन बाई के टू। अब आपको ये पता होना चाहिए द फॉर्मूला, क्योंकि पहले केस में सीरीज में है। जब मैं के वन बोल रहा हूँ मतलब मैं पहले केस का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जब मैं के टू बोल रहा हूँ तो मैं दूसरे केस का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए इन सीरीज स्प्रिंग्स को जब तुम सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उसका फॉर्मूला लुक्स सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लुक्स सिमिलर टू मतलब वन बाई के वन विल बी वन बाई के प्लस वन बाई के, क्योंकि दोनों के और के वाले थे, तो ये हो जाएगा वन बाई के वन इक्वल्स टू टू बाई के, मतलब के वन इक्वल्स टू के बाई टू। और जब पैरेलल की बात करते हो तो इन पैरेलल द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग्स इज सिमिलर टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, मतलब के टू क्या हो जाएगा? के प्लस के, के प्लस के, तो कितना हो जाएगा? टू के, बराबर। सो देयरफॉर एफ वन बाई एफ टू इज रूट ऑफ के वन बाई के टू, लेकिन के वन कितना था? के बाई टू, और ये कितना था? टू के क्या हो गया? कैंसल। तो एफ वन बाई एफ टू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ वन बाई फोर, मतलब कितना हो गया? वन बाई टू, थोड़े रेशो 1:2, ऑप्शन नंबर सी। दिया है क्या ऑप्शन सी? 2:1 कैसे आ गया? फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछा है ना, तो द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ वर्टिकल ऑक्सीजन, ये करेक्ट है, करेक्ट है। टाइम पीरियड इज 2 पाई ओमेगा रूट बाय के, ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज इनवर्स रिलेटेड, तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया, यस वो भी करेक्ट है। तो ये भी मैंने करेक्ट लिखा, के वन मतलब सीरीज, सीरीज में तो वो पैरेलल जैसा बनता है, तो के बाई टू ये भी सही हो गया, के टू इज टू के क्योंकि पैरेलल में तो एडिशन होता है, वो भी सही हो गया। के वन को के बाई टू लिखा, इसको टू के लिखा, के कैंसिल हो गया, तो ये भी 1/4:2 बराबर है, उन्होंने उल्टा रेशो लिखा है। दे आर राइटिंग नाउ रेशो ऑफ पैरेलल टू सीरीज, तो पैरेलल टू सीरीज का रेशो नहीं है, सीरीज टू पैरेलल का है, तो कितना हो गया? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम is connected to a spring of spring constant 312.5 newton per meter on a frictionless table. If the spring is held firmly at the other end, the block is pulled at a distance of 5 cm and then released to make SHM. Calculate the time period of oscillation. तुमको confuse करने के लिए question दिया है, कुछ है ही नहीं। Basically ये diagram को refer कर लो। कौन सा? आज इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, डायग्राम गायब हो गए, ये वाला इज द सेम डायग्राम। यू हैव अ वर्टिकल सपोर्ट, यू हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम, यू हैव अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 312.5 न्यूटन पर मीटर, द स्प्रिंग इज हेल्ड फर्मली एट वन एंड, मतलब स्प्रिंग का एक एंड जो है वो एक रिजिड सपोर्ट को लगाया है, दैट इज द क्वेश्चन। आगे पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन,
टाइम पीरियड ही पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, आपको पूछा है द ब्लॉक इज पुल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कंफ्यूज करने के लिए तुमको कुछ कुछ पैरामीटर दे के रखे हैं, जैसे डिस्टेंस। फिर आप लोग सोचते हो कि डिस्टेंस डिस्टेंस कहाँ काम में आएगा, नहीं आएगा काम में। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, रूट ऑफ के बाय एन। मतलब बेसिकली टाइम पीरियड टी इज 2π अंडर रूट ऑफ एम बाय के, यू डू नॉट नीड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। 2π रूट ऑफ मास इज 500 ग्राम, मतलब 0.5 किलोग्राम, और ये जो वैल्यू है के की वो है 312.5। 0.5 मतलब 1/2, 1/2, 2 नीचे आ गया, 0.5 इज 1/2, 2 नीचे आ गया, 312.5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 312.5 का डबल होता है 625। सही है कि नहीं? यस, तो ये हो गया 2π/25। आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई है क्या? नो, नंबर है, कोई बात नहीं। तो अब अभी देखो क्या है, अगेन कैलकुलेशन में बिल्कुल अटकना नहीं। जब 25 डिनोमीटर में आए ना, एक सिंपल सा काम करना, 100 को एडजस्ट कर लेना। इससे क्या होता है, इससे 1s और 4s होता है। इससे क्या होता है, 2π की वैल्यू, चलो 2π छोड़ दो, एक काम करो, ये यहाँ तक समझा? हाँ कि ना? यस। अब एक काम और करना, 4 को इधर लिखना, 2 को साइड में लिखना, 100 को ऊपर लेके जाना। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 4π की वैल्यू मुझे पता है, 12.5 अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 12.56। तो 12.5 इंटू 2 25 इंटू 10^-2, तो योर आंसर विल बी 0.25 सेकेंड्स, 0.25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस।